पढ़ रहा हूं आपके साथ, वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया राहुल गांधी जी? आप व्हाट इज हैपेंड टू यू राहुल गांधी? आई नो योर ट्वीट मस्ट बी हेडलाइन न्यूज इन पाकिस्तान। आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है कि 2009 में यूपीए के समय में भी कांग्रेस ने वही चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है। यू नीड टू एग्जामिन द एविडेंस। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? क्या मतलब है इसका? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आपने कहा मैं समझने के लिए गया था, जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते, उनको समझा देते। मिस्टर राहुल गांधी, एज पर योर ओन अटरेंसेस, यू इंजॉय वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद चाइना। You visited Chinese embassy when Doklam tension was at high. When you went to Mansarovar, you publicly claimed that the Chinese embassy people were keen to see you off, a permission denied by the government of India. And when you went to Mansarovar, you publicly said that I am in touch with many ministers. So if you are so much close to Chinese establishment, you could have used that proximity to persuade China take a stand against Masood Azhar. Why you did not? हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।